बिल्कुल, देखिए लोकसभा चुनाव से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सौगातों का पिटारा खोल दिया है। कल और आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ओडिशा और असम के दौरे पर रहने वाले हैं, जहां वो करोड़ों की सौगात देंगे। लोकसभा चुनाव से पहले पीएम मोदी ने सौगातों का पिटारा खोल दिया है। आज और कल पीएम मोदी ओडिशा और असम के दौरे पर रहेंगे, जहां वो करोड़ों की सौगात देंगे। आज ओडिशा दौरे पर पीएम मोदी संबलपुर में एक जनसभा को संबोधित करेंगे। पीएम मोदी ओडिशा के संबलपुर से 68,000 करोड़ की परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास करेंगे। ओडिशा में पीएम मोदी 3 बिजली परियोजनाओं का उद्घाटन करेंगे और नेशनल हाईवे की 3 सड़क परियोजनाओं की सौगात भी देंगे। इसके अलावा पीएम मोदी रेल परियोजनाओं की आधारशिला भी रखेंगे। साथ ही पुरी से सोनपुर के लिए वीकली एक्सप्रेस ट्रेन को हरी झंडी दिखाएंगे, जहां आज गुवाहाटी में पीएम मोदी बीजेपी की कोर कमेटी के साथ बैठक करेंगे। दूसरे दिन 4 फरवरी को पीएम मोदी एक रोड शो करेंगे और विशाल रैली को संबोधित भी करेंगे। इस दौरान पीएम मोदी असम के लिए 11,000 करोड़ की विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास करेंगे। देखिए, बिहार में मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर पेज फंस चुका है। दरअसल जीतन राम मांझी ने मंत्री पद की मांग कर दी है, जिसके बाद दोनों ही डिप्टी सीएम दिल्ली पहुंचने वाले हैं, जहां पर मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर आलाकमान से बातचीत होगी। बिहार में मंत्री पद की मांग और मंत्रियों के बीच विभागों के बंटवारे को लेकर चल रही तनातनी के बीच सूबे के दोनों ही डिप्टी सीएम विजय सिन्हा और सम्राट चौधरी आज दिल्ली पहुँच रहे हैं। दिल्ली में दोनों ही डिप्टी सीएम बीजेपी के दिग्गज नेताओं से मुलाकात करेंगे, मंत्रिमंडल विस्तार पर चर्चा होगी। मंत्रियों के बीच विभागों के बंटवारे पर भी दिल्ली में विजय सिन्हा और सम्राट चौधरी की बीजेपी के दिग्गज नेताओं से चर्चा होगी। पूर्व सीएम जीतन राम मांझी ने भी अपनी पार्टी के लिए एक और मंत्री पद की मांग कर टेंशन बढ़ा दी है। हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा सेक्युलर को 2 मंत्री पद मिलना चाहिए, सामाजिक सामंजस्य के लिए भी एक शेड्यूल कास्ट को मिला है, तो एक सवर्ण को भी मिलना चाहिए। बिहार कांग्रेस ने कहा है कि मांझी हमारे साथ आए, हम उन्हें सीएम बनाएंगे। उनकी वजह से सरकार की प्रतिष्ठा बढ़ेगी। आ जाए इधर, हम लोग बना देते हैं मुख्यमंत्री। इंटरनल मैटर है, इस पर हमारा गठबंधन मजबूत गठबंधन है, तो वो लोग आपस में मिलकर के इस पर सॉर्ट आउट इसका कर लेगा लोग। इधर यूसीसी पर उत्तराखंड सरकार एक और कदम आगे बढ़ गई है। आज कैबिनेट की बैठक होनी है, जिसमें यूसीसी ड्राफ्ट पर चर्चा होगी। कमेटी की ओर से उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी को यूसीसी का ड्राफ्ट सौंपे जाने के बाद आज सुबह 11 बजे धामी कैबिनेट की बैठक होगी। बैठक में यूसीसी ड्राफ्ट पर चर्चा होगी। विधानसभा में पेश करने से पहले कैबिनेट यूसीसी ड्राफ्ट पर चर्चा करेगी। 5 फरवरी से यूसीसी पर चर्चा के लिए उत्तराखंड विधानसभा का विशेष सत्र होने जा रहा है और इसी सत्र में विधेयक को पास भी करवा लिया जाएगा। हमको इन्होंने ड्राफ्ट सौंप दिया है। विधानसभा का जो विशेष सत्र आ रहा है, इस सत्र में इसको रखेंगे और जो कानून बनना है उस दिशा में हम आगे बढ़ेंगे। यूसीसी का ड्राफ्ट तैयार करने के लिए पुष्कर सिंह धामी की सरकार ने 27 मई 2022 को एक्सपर्ट कमेटी बनाई थी। करीब 22 महीने की मशक्कत के बाद तैयार की गई रिपोर्ट अब उत्तराखंड सरकार के पास पहुंच गई है। सूत्रों के मुताबिक कमेटी के ड्राफ्ट में शादी, तलाक, संपत्ति, लिव इन रिलेशनशिप जैसे मुद्दों पर कानून का प्रस्ताव है। अगर ये राज्य हित में, राष्ट्र हित में हुआ और किसी के अधिकारों का हनन इसमें नहीं है, तो निश्चित ही कांग्रेस समर्थन करेगी। झारखंड में नई सरकार बनने के बाद अब संकट और गहराते जा रहा है और कहा जा रहा है कि कहीं ना कहीं एकजुटता ना होने की वजह से नई सरकार मुश्किलों में आ सकती है। चंपई सोरेन सरकार को 10 दिन में बहुमत साबित करना है। दावा 47 विधायकों के समर्थन का है, लेकिन गठबंधन के सिर्फ 36 विधायक हैदराबाद पहुंचे। बसंत सोरेन, सीता सोरेन, रामदास सोरेन, प्रदीप, विनोद सिंह, लोबिन हेब्रम और चमरा लिंडा हैदराबाद नहीं पहुंचे। लोबिन हेब्रम ने सीधे सीधे पार्टी से बगावत कर दी है। हेब्रम चंपई सोरेन को सीएम बनाने का विरोध कर रहे हैं। तकलीफ तो है लोगों को और हमको भी तकलीफ है। कम से कम संथाल से यहां के मुख्यमंत्री होना चाहिए। नाराज झारखंड मुक्ति मोर्चा विधायक चमरा लिंडा भी पार्टी आलाकमान की पहुँच से बाहर है। सीएम चंपई सोरेन, आलमगीर आलम और सत्यानंद भोक्ता रांची में कमान संभाले हुए हैं। नाराज विधायकों को मनाने की कोशिश चल रही है।
सरकार बन गई और उसके बाद अगर राज्य से डर करके विधायकों को हैदराबाद ले जा रहे हैं तो किससे डर रहे भाई? इसका मतलब उनको अपने लोगों के ऊपर भरोसा नहीं है, अपने लोगों से उनको डर है। ABP News आपको रखे आगे।